counting double digit vowels. आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल देसी फूड। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं बकरे की खेजी। सबसे पहले हमारे पास है बकरे की खेजी तकरीबन आधा किलो, उसके बाद हमारे पास है एक बड़े साइज का टमाटर, उसके बाद 10 से 12 अदद हमारे पास सब्ज मिर्च हमने चॉप करके रखी है, उसके बाद सब्ज धनिया और एक अदद इसमें आलू शामिल करेंगे और बाकी के तमाम मसाला जाए। सबसे पहले हमारे पास है नमक, नमक हद पे जरूर इसमें ऐड करेंगे। एक चाय का चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे, एक चाय के चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, जीरा साबुत जीरा डालेंगे, और इसके बाद हमारे पास है लाल मिर्च पाउडर जो हमें इसमें एक चाय का चम्मच डालेंगे, और हमारे पास है प्याज जो हम सबसे पहले कढ़ाई में डाल चुके हैं ब्राउन होने के लिए, वो रखे हुए हैं, वो लाइट से ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसमें तमाम इन्ग्रीडियंट्स शामिल करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं, तो जब ये लाइट से ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसमें बाकी ये तमाम मसाला जो शामिल करेंगे। जी भी बस आप देख सकते हैं कि ये लाइट से ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें शामिल करते हैं हम सब्ज मिर्च और हमारे पास है टमाटर। यहाँ पे हम शामिल करेंगे सब्ज मिर्च, टमाटर हम पहले शामिल कर चुके हैं, जी भी बस अब हम इसमें बाकी के तमाम मसाला जो शामिल करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर, उसके बाद एक चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक हल्के से, अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं। पानी शामिल करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे, उसके बाद हम इसमें बकरे की खेजी ऐड करेंगे जो हमारे पास है आधा किलो। अब इसको 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे, उसके बाद हम खेजी, जी हाँ व्यूअर्स अब देखते हैं अच्छी तरह से बन चुका है। अब इसमें शामिल करते हैं हमारे पास है खेजी जो है आधा किलो, अब इसमें शामिल करते हैं। इसको हम 5 मिनट के लिए ऐसे पकाएंगे बिना ढके, उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। मैं थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से पका लेंगे, जब एकदम मसाला सा बन जाएगा तब इसमें जो हमारे पास एक अदद आलू कटा हुआ है वो आलू इसमें शामिल कर देंगे। जी हम ये बस आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से बन चुका है, अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे पास जो आलू कटा हुआ है एक अदद वो हम इसमें आलू शामिल करते हैं। ये हमारे पास आलू था, अभी आलू हम इसमें शामिल करते हैं। आलू शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे हस्बे जरूरत पानी, पानी
शामिल कर दिया हमने इसमें। इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे दम पे, फिर हम इसको निकाल के सर्व करेंगे। जी हम एवल से देखते हैं कि ये बन चुका है, ये देखिए ये अच्छी तरह से बन चुका है। हम इसको निकाल के डिश आउट करते हैं, ये अच्छी तरह से बन चुका है। जी व्यूअर्स, तो अब हम इसको निकाल के डिश आउट करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसको निकाल के डिश में निकाल लिया। हमने इसमें की गार्निशिंग कर ली है, हम इस पर डाल दिए सब्ज़ धनिया। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिल सके। हमारी आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।